हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की हमारी जो डिश है वो रेनी सीजन स्पेशल है। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे अरबी के पत्ते। तो अरबी के पत्तों को अच्छे से धो के उनके स्टेम्स इस तरह से कट कर लेने हैं। इन पत्तों के बीच में लगाने के लिए हम एक पेस्ट तैयार करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को मोटा मोटा सा कूट लिया था। दूसरी तरफ हमने बॉल में बेसन लेकर उसमें जो बेसिक मसाले हैं, नमक, हल्दी, गर्म मसाला, अजवाइन और जो हमारा कूटा हुआ पेस्ट है वो ऐड कर देना है। तो इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी मिला के एक गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे हम। तो जब तक ये पेस्ट तैयार हो रहा है तब तक मैं आपको बता दूं कि ये जो हम डिश बनाने जा रहे हैं, यहाँ पे पंजाब रीजन में इसे पतेड़ या फिर बतौड़ कहते हैं। तो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नेम है, मुझे तो यही दो नेम्स पता है। तो ये हमारा पेस्ट जो है वो तैयार है। अब हम इसको पत्तों के ऊपर लगाएंगे। लेकिन आपने जो पेस्ट है ना, उसमें नमक या फिर मिर्च या मसाला ये बहुत तेज़ रखना है, तभी आपको डिश का अच्छे से फ्लेवर आएगा या फिर अच्छा लगेगा, करारा सा टेस्ट। तो इस तरह से आपने पत्तों के ऊपर इस पेस्ट को लगाते जाना है और पत्तों को एक के ऊपर एक रखते जाना है। तो जब सारे पत्तों के ऊपर पेस्ट लग जाए तो आप इसको साइड से फोल्ड करके एक रोल बना लीजिए। वैसे जब ये डिश पूरी बन के तैयार हो जाती है ना, तो थोड़ा बहुत इसका जो टेस्ट है वो पकौड़ों के जैसा होता है। तो आप इसको सिंपली चाय के साथ एज अ स्नैक भी खा सकते हो, या फिर ये परांठी या फिर चपाती के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए हमारे जो रोल है वो अब बन के तैयार है। लास्ट में मैंने इसको टूथपिक्स की हेल्प से सिक्योर किया था। दूसरी तरफ कढ़ाई में हमने थोड़ा पानी बॉयल होने के लिए रख दिया। तो ये जो हमारा रोल तैयार हुआ है, हमने एक स्टील के के ऊपर इसको रख के स्टीम कर लेना है। आपने अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 मिनट्स के लिए इसे स्टीम करना है। जब ये ठंडा हो जाए तो इस तरह से इसके स्लाइस कट कर लीजिए। अब इनको शैलो फ्राई करके आप चाय के साथ, परांठी के साथ या चपाती के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत बढ़िया लगता है।